दिन तैयार कर रहा है फ्लाइंग ट्रेन, हवाई जहाज से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड। जहां एक तरफ भारत की रेलवे व्यवस्था पूरी तरह से खराब होती जा रही है और आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन स्पीड और रेल सेफ्टी के मामले में भारत से कई साल आगे जा चुका है। चीन अब अपने लोगों के लिए हवा से बातें करने वाली ट्रेन का निर्माण करने जा रहा है, जिसकी स्पीड सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन के एक संगठन CASIC के अनुसार इस ट्रेन की स्पीड 4000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चीन ने अपनी इस ट्रेन का नाम हाई स्पीड फ्लाइंग ट्रेन रखा है, हवाई जहाज से 3 गुना ज्यादा तेज। अगर चीन का यह प्लान सफल हो गया तो इसकी स्पीड घरेलू हवाई जहाज से भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना CASIC ने 200 से ज्यादा पेटेंट तैयार किए हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स का पहला लक्ष्य ट्यूब सिस्टम से ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाई जाए। दुनिया भर में चलेगी यह ट्रेन। इस द्रुत गति ट्रेन को सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स से इसे आने वाले समय में दक्षिण एशिया और मिडल ईस्ट समेत यूरोप और अफ्रीका तक पहुँचाने का प्लान है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी है। चीन की हाई स्पीड फ्लाइंग ट्रेन दुनिया की बुलेट ट्रेन की स्पीड से 10 गुना ज्यादा होगी। ये थी SM News की रिपोर्ट।